बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजीबुल हबीब और आप देख रहे हैं मुबीन अर्ज टीवी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी हेल्थ से रिलेटेड ही है, तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आज की हमारी वीडियो का ताल्लुक भी ईद से ही है, यानी ये वीडियो हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बना रहे हैं जो कि ईद के बाद अक्सर ज़्यादा देखने में आती है, वो है यूरिक एसिड। तो दोस्तों, ये एक ऐसा मसला है जो कि रेड मीट खाने की वजह से ज़्यादा होता है और अक्सर लोगों में यूरिक एसिड की मकदार वैसे ही ज़्यादा होती है और ईद के दिनों में ज़्यादा मकदार में रेड मीट, गोश्त वगैरह खाने की वजह से इसकी मकदार हमारे जिस्म में और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें जोड़ों का दर्द, जोड़ों में सूजन, पट्टों का खिंचाव वगैरह ज़्यादा महसूस होता है। तो अक्सर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मकदार पहले ही ज़्यादा थी और वो ज़्यादा मकदार में गोश्त इस्तेमाल करने की वजह से और बढ़ जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत तकलीफ़ का बायस बनती है। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जिनमें यूरिक एसिड की मकदार ज़्यादा रहती है वो ज़्यादा गोश्त से परहेज़ करें। यूरिक एसिड की सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये जोड़ों में दर्द का बायस बनता है, पट्टों में खिंचाव और जोड़ों में सूजन महसूस होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।